नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में राजनीतिक शह और मात के खेल में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पूरी तरह उतर चुके हैं, तो शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से बागी विधायकों को दी गई धमकी का मामला तूल पकड़ रहा है। अब मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बयान की निंदा करें। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिए बयान को लेकर शिवसेना गुस्से में है, तो उधर एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेतृत्व उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें 37 बागी विधायकों का जादुई आंकड़ा हासिल हो जाए। इस बीच शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत आक्रामक तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे कैंप के बागी विधायकों को महाराष्ट्र वापस लौटने की चुनौती दी है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक क्षय और मात के खेल में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पूरी तरह उतर चुके हैं। पवार की राजनीति ताकत का अंदाजा विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे को भी है। ऐसे में इस बात की संभावना तेज हो गई है कि कहीं शिंदे का दाव उल्टा न पड़ जाए। हालांकि अभी कुछ भी दावे के साथ कह पाना मुश्किल है। पवार की भूमिका तभी स्पष्ट हो गई जब डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने फैसले लेने शुरू किए। जिरवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही है। उन्होंने सबसे पहले एकनाथ शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को विधानसभा में पार्टी के समूह नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह अहम कदम था क्योंकि समूह का नेता ही व्हिप की नियुक्ति करता है, साथ ही वह यह तय करता है कि विधायक सदन के पटल पर अपना आचरण कैसा रखेंगे। पवार और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके दो घंटे के भीतर जिरवाल ने शिंदे सहित अपने 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के शिवसेना के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। पवार ने अपनी पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद राकांपा नेता प्रफुल्ल पाटिल, अजीत पवार और जयंत पाटिल उद्धव का समर्थन करने के लिए पूरी ताकत से सामने आए। शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के भाग्य का फैसला विधानसभा में होगा और शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन विश्वास मत में बहुमत साबित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष उत्पन्न संकट में भूमिका निभाई है। शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से बागी विधायकों को दी गई धमकी का मामला तूल पकड़ रहा है। अब मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बयान की निंदा करें। राउत ने गुरुवार को कहा था कि विधायकों को महाराष्ट्र में आना घूमना मुश्किल हो जाएगा। खबर है कि एकनाथ शिंदे को फिलहाल 40 विधायकों का समर्थन हासिल है, वही इस आंकड़े के बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। संख्या बल के लिहाज से शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे का समूह लगातार ताकतवर होता जा रहा है। वही एक सप्ताह पहले सरकार चला रही शिवसेना के पास विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अगर दोनों पार्टियों के बीच ग्राफ को देखें तो शिवसेना का बागी खेमा सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से भी आगे निकलता दिख रहा है। वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 105 सीटों पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनी थी। हालांकि राकांपा कांग्रेस और शिवसेना के साथ आने के चलते पार्टी सरकार बनाने में असफल रही थी। चुनाव में वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी के खाते में 54 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस के मामले में यह आंकड़ा 44 पर था। मुखिया की भूमिका निभाने वाली शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इन तीनों दलों के अलावा एमवीए सरकार को बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन दिया था। संयुक्त रूप से इन पार्टियों की सीटों की संख्या 8 है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिए बयान को लेकर शिवसेना गुस्से में है। पार्टी नेता संजय राउत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि क्या भाजपा इस प्रकार की भाषा की इजाज़त देती है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र शरद पवार के खिलाफ इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। राणे ने गुरुवार को शरद पवार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पवार शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा आना चाहिए तो वे अवश्य वापस आएंगे और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करेंगे। अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ तो औरों का घर जाना मुश्किल होगा। इस पर हुए राउत ने कहा कि पवार साहब को धमकियां दी जा रही है। एक केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि घर नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सुन लीजिए, आपका एक मंत्री शरद पवार जी को धमका रहा है, क्या आपको ये मंजूर है? बता दें कि शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के भाग्य का फैसला विधानसभा में होगा और शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन विश्वास मत हासिल कर लेगा। गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों को मुंबई वापस आना होगा। इसी क्रम में राउत ने कहा कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है।
मुंबई लौटने के बाद ही बागी विधायकों की पार्टी के प्रति वफादारी की असली परीक्षा होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट पड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेतृत्व उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें 37 बागी विधायकों का जादुई आंकड़ा हासिल हो जाए। अगर बागी शिंदे गुट को शिवसेना के विधायकों का 2/3 समर्थन मिलता है तो शिंदे कानूनी रूप से यह दावा कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं, वह विधानसभा में शिवसेना के नेता है। इसके बाद शिंदे के नेतृत्व वाले आधिकारिक शिवसेना समूहों के साथ भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उनके साथ निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी आ जाएगी, क्योंकि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में ऐसे 20 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार को वोट किया था। दूसरी संभावना भी बनती है, अगर शिंदे जादुई नंबर जुटाने में असफल रहते हैं तो सवाल यह है कि क्या कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और क्या जब भाजपा और शिंदे सेना सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी तो असेंबली बहाल होगी। एक परिस्थिति यह भी बन सकती है कि सियासी समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे अपनी और पार्टी की इमेज को बचाने के लिए बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। वह शर्त रख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं, कोई और बने। याद रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों के सामने पेशकश की है कि अगर वे मुंबई लौट आते हैं तो सेना एमवीए गठबंधन को तोड़ने के बारे में सोच सकती है। दरअसल बागियों की मांग है कि शिवसेना को भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत आक्रामक तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे कैंप के बागी विधायकों को महाराष्ट्र वापस लौटने की चुनौती दी है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो करना था कर लिया है, उन लोगों को बहुत सारे मौके दिए गए थे लेकिन अब हमारी चुनौती है कि लौट कर आए। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि बातचीत के सारे विकल्प दिए गए थे लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है, हम फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करेंगे। बता दें कि शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर बाकी 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात को लेकर कहा कि वह महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता है और भीष्म पितामह है। इस संकट को लेकर हम सभी एक दूसरे के संपर्क में है और साथ में है। संजय राउत के रूप पर जवाब देते हुए बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि जब एक पार्टी के 2/3 से ज़्यादा नेता अलग गुट का दावा करते हैं तो फिर उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को हमसे बात करनी चाहिए और हम शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। गुवाहाटी में बैठे होने को लेकर विधायक ने कहा कि हमें जब भी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे हम लौट आएंगे। हमारे ऊपर दबाव बनाते हुए वे कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, यह धमकी देने की मानसिकता है। हम इसलिए मुंबई से भागकर यहाँ आए हैं क्योंकि वे हमें धमकियाँ देते हैं, गाड़ियों को घेरते हैं। मेरे अंदर साहस है इसलिए मैं उनके मुकाबले खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन अन्य लोगों का क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया। इसमें 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में काफी गड़बड़ी मिली है। तो पटना हाईकोर्ट लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय को अपनी शादी बचाने का एक मौका और देना चाहता है। वहीं गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो उधर राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसी बीच एमपी साइबर सेल मुख्यालय ने 2 ऐसे कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है जो मीटिंग के दौरान महिला प्रोफेसर के साथ अश्लील हरकत करते थे। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया है। इसमें 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में काफी गड़बड़ी मिली है। कुछ की गड़बड़ी हलफनामा में दर्शाई गई संपत्ति से 20 करोड़ अधिक तो कुछ की 10 करोड़ अधिक मिली है। इसमें सभी जदयू, भाजपा, राजद, हम, कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियों के विधायक हैं। इसमें बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल है। कुछ तो वर्तमान सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। आयकर विभाग की जांच में यह हकीकत सामने आई है। चुनाव जीते हुए सभी विधायकों की संपत्ति की जांच करके इसकी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसमें संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले 40 विधायकों का नाम है। हालांकि 1-2 चुनाव हारे हुए यानी बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि का जिक्र इसलिए है क्योंकि उनके पास ज्यादा गड़बड़ी मिली है। इन पर अंतिम रूप से कार्रवाई करने का आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग को ही देना है। आयोग से आदेश मिलने पर अगले चरण की कार्रवाई हो सकती है।
वास्तविक संपत्ति को छिपाकर या कम दिखाकर इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने के आरोप में इन जनप्रतिनिधियों को मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह के पास हलफनामा में जिक्र की गई संपत्ति की जांच में करीब 20 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति मिली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का तलाक मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हो रही है। अदालत तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय को अपनी शादी बचाने का एक और मौका देना चाहता है। दोनों को एक साथ बुलाकर इस बात की गुंजाइश समझने की कोशिश की है कि क्या दोनों एक बार फिर से साथ रह सकते हैं। कोर्ट की ओर से ऐश्वर्या के वकील ने तेज प्रताप को कोर्ट बुलाया था, लेकिन तेज प्रताप की ओर से फिलहाल कुछ और वक्त मांगा गया है। कोर्ट की ओर से काउंसिलिंग के लिए 28 जून की तारीख तय कर दी गई है। बताते चले कि डिवीजन बेंच में जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की कोर्ट में यह सुनवाई हो रही थी। कोर्ट की ओर से इस दिन दोनों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया है ताकि दोनों को समझाया जा सके। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला काफी लंबे समय से कोर्ट के पास लंबित है। अब कोर्ट भी चाहता है कि इस मामले को पूरी तरह से सेटल किया जाए। कोर्ट में ही आमने सामने काउंसिलिंग के बाद सेटलमेंट होगा। बताते चले कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट के जरिए पूछा था कि तेज प्रताप की कमाई कितनी है, इसका आकलन अच्छे से किया जाए ताकि कोर्ट के जरिए ऐश्वर्या मुआवजे और जीवन यापन के लिए पैसे की मांग कर सके। पिछली बार की सुनवाई में उनके वकील ने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के तौर पर 23,000 रुपए से ज्यादा देने की मांग की थी। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चीट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने यह अर्जी 2018 में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें दंगों के मामलों की जांच कर रहे एसआईटी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई। दोषमुक्त व्यक्तियों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। जाफरी के पति की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगों के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दंगों के पीछे की बड़ी साजिश होने का दावा किया और 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों की निगरानी के दौरान 2011 में एसआईटी को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक अपील गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाई गई थी, जिसने 5 अक्टूबर 2017 को इसे ठुकरा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 64 वर्षीय मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा मुर्मू के प्रस्तावकों में शामिल रहेंगे। इससे पहले पीएम ने कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी की देश भर में तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। इसके बाद मुर्मू ने शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उनके नाम की घोषणा से ही जनजातीय समाज अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके प्रशासनिक और सार्वजनिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। बीजेडी, जेडीयू और मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन ने मुर्मू का समर्थन किया है। बीजेडी के समर्थन के बाद मुर्मू का देश का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनना तय है। मुर्मू ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सहयोग मांगती हूँ। मैं 18 जुलाई से पहले सभी मतदाता सांसदों से मिलूंगी और उनका समर्थन मांगूंगी। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। एमपी साइबर सेल मुख्यालय ने दो ऐसे कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है, जूम मीटिंग के दौरान महिला प्रोफेसर के साथ अश्लील हरकत करते थे। दोनों छात्रों ने अश्लील वीडियो बनाकर महिला प्रोफेसर के व्हाट्सएप पर भी भेजा था। दोनों तकनीकी रूप से इतने शातिर थे कि इनकी पहचान मुश्किल हो रही थी। महिला प्रोफेसर को भेजे गए वीडियो में दो कंपनियों का डिश एंटीना और एक जोड़ी स्लीपर दिख रहा था। इसी स्लीपर से छात्रों की पहचान हुई और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपी बीबीए छात्र अनिकेत सिंह राजपूत
महर्षि पतंजलि कॉलोनी निवासी है। दूसरा आरोपी आदित्य सिंह गांधीनगर निवासी है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। एएसपी वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि यह जांच बिल्कुल आसान नहीं थी। इसके लिए आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। इस केस में जांच टीम के पास सबूत के रूप में ऑनलाइन मीटिंग का स्क्रीनशॉट था, जिसमें संदिग्धों की पृष्ठभूमि दिखाई दे रही थी। उस पर 2 डिश एंटीना के साथ एक इमारत थी। अधिकारियों ने पता लगाने के लिए कई सेवा प्रदाताओं से संपर्क किया। फोन की जियो लोकेटिंग कर इलाके की शिनाख्त कर पुलिस अनिकेत सिंह के पास पहुंची। कुछ सत्यापन के बाद उसे राउंड अप किया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बयान के आधार पर पुलिस ने एक अन्य छात्र आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। पुलिस की टीम ने मोबाइल फोन, सिम और अन्य सबूत भी जब्त किया है। चीन अब नेपाल की जमीन हथियाने के लिए लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि नेपाल की जानकारी के बगैर चीन ने जमीन कब्जा करने के लिए उसकी सीमा पर कंटीले तार लगा दिए, तो पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए चीन को पट्टे पर पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र, गिलगित और बल्टिस्तान दे सकता है। वही यूनाइटेड किंगडम सीवेज के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अब चिंता का विषय बन गया है। तो उधर रूस ने नाटो सदस्य देश लिथुआनिया से मांग की है कि वह कैलिनग्राड पर खुलेआम लगाए गए शत्रुतापूर्ण प्रतिबंधों को तत्काल हटा दे। इस बीच वैज्ञानिकों ने फिर से सौर तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे संचार से जुड़ी कुछ चीजें प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन अब नेपाल की जमीन हथियाने के लिए लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि नेपाल की जानकारी के बगैर चीन ने जमीन कब्जा करने के लिए उसकी सीमा पर कंटीले तार लगा दिए हैं। 3 साल पहले गोरखा जिले के रुइला में जिस जगह पर चीन ने सैन्य ठिकाने बना लिए थे, उसी इलाके में कंटीले तार लगाकर वह फिर घेराबंदी कर रहा है। दरअसल हिमालयी इलाके में अभी तक नेपाल और चीन के बीच बॉर्डर तय नहीं हो पाया है। इससे दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा रेखा का पता नहीं चल पाता है। चीन इसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे नेपाल के अंदरूनी भागों में घुसपैठ कर वहां कंटीले तार से अपनी सीमा खींच रहा है। चीन के इस कदम के खिलाफ नेपाली लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी फिलहाल घटना से अनजान बने हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रीता धीताल के मुताबिक बॉर्डर पर किसी तरह का डेवलपमेंट करने से पहले दोनों देशों की इजाजत जरूरी है, लेकिन इस बारे में उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि चीन ने नेपाली जमीन पर कंटीले तार लगा दिए हैं और लोगों के उस पार जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चीन ने रुइला और सामदा गांव के बीच यह सीमा खींची है। 3 साल से नेपाली नागरिकों को सामदा गांव की तरफ जाने से रोका जा रहा है। वे दूसरे गांव में बसे अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। चीनी सैनिकों ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वे यहां 24 घंटे तैनात रहते हैं। पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए चीन को पट्टे पर पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र, गिलगित और बाल्टिस्तान दे सकता है। ऐसे कदम से पाकिस्तान को पट्टे पर मोटी रकम मिल सकती है, जिससे वह अपने मौजूदा आर्थिक संकट को कम कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और सैन्य नियंत्रण के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नगरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगित बाल्टिस्तान ग्लोबल पावर से लिए भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग चीन की सीमा को छूता है। ऐसे में नगरी ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंप सकता है। गौरतलब है कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है, तो यह ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा। इस कदम से इस्लामाबाद को एक मोटी रकम मिल सकती है, जिससे मौजूदा आर्थिक संकट से निपटा जा सकता है। हालांकि इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी लगातार घट रही है, क्योंकि यहां के लोग पलायन करने को मजबूर है। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में होने वाली आत्महत्याओं में से 9% गिलगित बाल्टिस्तान में होती है। पोलियो का वायरस एक बार फिर डरा रहा है। यूनाइटेड किंगडम सीवेज के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अब चिंता का विषय बन गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि जोखिम बेहद कम है। अभी तक किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है। इस बीच ब्रिटेन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सभी माता पिता अपने बच्चों को पोलियो के खिलाफ टीका लगवा ले। बता दें कि 2003 में यूके में पोलियो आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। 2004 में लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग करना बंद कर दिया और एक निष्क्रिय संस्करण में बदल गया। महामारी विज्ञानी डॉक्टर वेनेसा सालिबा ने कहा कि यूके की अधिकांश जनसंख्या को बचपन में टीकाकरण से बचाया जाएगा, पर कम कवरेज वाले समुदायों में जोखिम अधिक है।
वायरस के फैलने का खतरा अधिक उन इलाकों में है जहां वैक्सीन कम लगी है। ऐसे समुदायों की जांच की जा रही है। एहतियात के रूप में और भी मामलों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि इस खबर को लेकर परेशान नहीं होना है। पोलियो का टीका ब्रिटेन में छोटे बच्चों को संयोजन टीके के हिस्से के रूप में दिया जाता है। इसे 3 साल की उम्र में और 14 साल की उम्र में बूस्टर के रूप में फिर से दिया जाता है। हम स्थिति पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन में प्राकृतिक पोलियो का मामला 1984 को आया था। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। जंग अभी भी जारी है। वहीं यूरोप और अमेरिका ने मॉस्को पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अब खबर है कि रूस ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सदस्य देश लिथुआनिया से मांग की है कि वह कैलिनग्राड पर खुलेआम लगाए गए शत्रुतापूर्ण प्रतिबंधों को तत्काल हटा दे। रूस की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब लिथुआनिया ने नाटो देशों से चौतरफा घिरे रूस के परमाणु सैन्य किले कैलिनग्राड को रेल के जरिए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ और नाटो देशों पोलैंड तथा लिथुआनिया के बीच बसा रूस का कैलिनग्राड शहर रेल के जरिए रूस से सामान मंगाता है। यही नहीं, कैलिनग्राड के गैस की सप्लाई भी लिथुआनिया के जरिए होती है। बाल्टिक देश लिथुआनिया ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि वह रूस पर लगे यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की सूची में शामिल सामानों को रेल के जरिए कैलिनग्राड भेजे जाने को प्रतिबंधित करने जा रहा है। बता दें कि कैलिनग्राड क्षेत्र पहले पूर्वी प्रशिया के जर्मन प्रांत का हिस्सा था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा मित्र देशों की शक्तियों के बीच 1945 के पोट्सडैम समझौते के अनुरूप ले लिया गया था। ईस्ट प्रशिया की राजधानी कोनिग्सबर्ग का नाम बदलकर कैलिनग्राड कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में अनुमानित 2 मिलियन जर्मन इस क्षेत्र से भाग गए और जो लोग रुके थे उन्हें शत्रुता समाप्त होने के बाद जबरन निष्कासित कर दिया गया था। शीत युद्ध के आरंभ के बाद से कैलिनग्राड ने रूस के बाल्टिक बेड़े के एक प्रमुख आधार के रूप में भी कार्य किया है। पिछले काफी वक्त से सूरज पर लगातार सौर विस्फोट हो रहे, इसके ही परिणाम स्वरूप सौर तूफान आ रहे। हालांकि अभी तक इससे पृथ्वी पर कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने फिर से सौर तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे संचार से जुड़ी कुछ चीज़ें प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों को सूरज पर एक बड़ा धब्बा दिखा है जो पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये धब्बा 24 घंटे के अंदर ही 2 गुना हो गया। इसके विश्लेषण से पता चला कि यह सौर तूफान को लाने में मदद करेगा। जब ये तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ेगा तो ये सैटेलाइट, GPS सिस्टम, रेडियो सिग्नल आदि को प्रभावित करेगा। एक वैज्ञानिक ने बताया कि सूरज पर जो धब्बा दिख रहा है उससे कोरोनल मास इजेक्शन होगा। आम भाषा में कहे तो इससे सूर्य की सतह पर एक बड़ा विस्फोट होगा। इससे 1 अरब टन आवेशित कण सौरमंडल में फैलेंगे, जिनकी रफ्तार लाखों किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये कण जब सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल आदि के संपर्क में आएंगे तो उसे प्रभावित करेंगे। धब्बे का आकार भी 24 घंटे में 2 गुना हो गया। इससे पता चलता है कि ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेगा, जिस वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अरोर देखने को मिलेगा। अरोर एक तरह की रंगीन रोशनी होती है जो ऐसी घटनाओं की वजह से देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 8 सालों तक सूरज काफी एक्टिव रहेगा, जिस वजह से जियो मैग्नेटिक तूफान आ रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।